ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಿಯದ್ವೈತ ಗದಗರ ಶಿವನದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಿಯದ್ವೈತ ಗದಗರ ಶಿವನದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಕೈವಾರ ಕರುಣಾಕರ ವೈಷ್ಣವ ಗೋಸಾಯಿ ಕಥಿತ ಪವನ ತೋಮಾ ದಿನ ಕೇವನಾಯಿ ತಾರಣಿ ಕಟೆ ಗೆಲೆ ಪಾಪ ದೂರ ಜಾವ ಹೇ ಮನ ದಯಾಲ ಪ್ರಭು ಕೇವ ಕೋ ಸಪಾಯ ಗಂಗರ ಪರ ಸಹೈಲೆ ಪಶ್ಚಾತೆ ಪವನ ದರ್ಶನ ಪವಿತ್ರ ಕರ ಹೇ ತುಮಾರುಣ ಹರಿ ಥಾನೆ ಅಪರಾಧೆ ತಾರೆ ಹರಿ ನಾಮ ತುಮಾ ಥಾನೆ ಅಪರಾಧೆ ನಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣ ತುಮಾರ ಹೃದಯ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ವಿಷಾಮ ಗೋವಿಂದ ಕಾಯ ನಾಮ ವೈಷ್ಣವ ಪರಾಯಣ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ ಕರಿ ಆಶಾ ಚರಣ ರಘೋಲಿ ನರುತಮ ಕರ ದಯಾ ಆಪನಾರ ಬೋಲಿ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ಜಯ ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ಗುರುದೇವ ಕೃಪಾ ಬಿಂದು ದಿಯ ಕರೈದಾಸೆ ತ್ರಿನಾಪೇಶ ಗುರುದೇವ ಕೃಪಾ ಬಿಂದು ದಿಯ ಕರೈದಾಸೆ ಸಕಲ ಸಹನೆ ಬಲ ದಿಯ ಕರ ಸಕಲ ಸಹನೆ ಬಲ ದಿಯ ಕರ ನಿಜ ಮನೆ ಶ್ರೀ ನಿಜ ಮನೆ ಶ್ರೀ ಸಕಲ ಸಹ ಸಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಕರಿ ಸಕತಿ ದೇಹನಾಥ ಜಥಾ ಜಥಾ ಸಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಕರಿ ಸಕತಿ ದೇಹನಾಥ ಜಥಾ ಜಥಾ ಅಮೆ ತಬೆ ತ ಗಾಯಿವ ಹರಿ ನಾಮ ಸುಖೆ ತಬೆ ತ ಗಾಯಿವ ನಾಥ ತವೇ ನಾ ಕೃಪಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಮಿ ಅತಿ ದೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮೇ ಆತ್ಮ ಸಾಥ ಪಾಯ ತುಮಾರ ಕರುಣಾ ಸಾರ ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿಚಾರಿ ಆ ಕರುಣಾ ನಾಯಲೆ ಕಾಂದಿಯ ಕಾಂದಿಯ ಕರುಣಾ ನಾಯಲೆ ಗುರುದೇವ ಕೃಪಾ ಬಿಂದು ದಿಯ
गुना दया दासे
पंचरों के हाथ के मन भजी बोल
ओ कवे मोर से
बधु करना है क्या करना है? हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरण में यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज मेरे गुरुपाद पद्म की आज श्री तिरुभाव तिथि। आज का दिन ही उन्होंने ये संसार को छोड़ करके अपना नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया था। इसलिए कहते वैष्णव जगत में ये मरना शब्द नहीं प्रयोग करते। मरते ही कौन है? जो कर्म फल से बाध्य होकर के इस जगत में आते हैं और संसार का दुख कष्ट को भोग करते हैं और अपना कर्म फल को लेकर चले जाते, वो मरते हैं। लेकिन वैष्णव लोग कभी मरते नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया, संगे आई सन संगे जाए न तथा, मतलब वो भगवत इच्छा से इस जगत में आते हैं। जब उनकी लीला खत्म हो जाती है, जिस काम के लिए आते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर अपना धाम में चले जाते हैं। इसलिए उनके लिए नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं, मतलब जब ठाकुर जी को नित्य लीला में ही फिर चले जाते हैं। इसलिए विशेष करके हमारे जो गुरुवर्ग है, भले ये लोग कौन हैं, भले ये सबके सब राधा रानी की मंजरी और सबके सब सखियाँ हैं, हैं? इसलिए ये भगवत इच्छा से आते हैं और जगत में हरि भक्ति को प्रचार करके अनंत जीवों को उन्होंने उद्धार करते हुए फिर अपना प्रभु जी को पास में ये चले जाते हैं। इसलिए उनको नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं? विरह महोत्सव। लेकिन कोई मरने पर थोड़ी कोई महोत्सव कहते हैं, मरने पर तो कोई दुखी होते हैं। लेकिन जब कोई वैष्णव चले जाते हैं, हम कहते हैं विरह महोत्सव। विरह मतलब क्या है? बोले बी मतलब होता है विशेष पूर्वक। रह मतलब होता है केली, मतलब जो विशेष पूर्वक ठाकुर जी को साथ में लीला केली करते हैं, इसलिए हम लोग महोत्सव कहते हैं। हैं महोत्सव क्यों कहते हैं? यहाँ तो दिखाई पड़ता है जैसे छोड़ करके चले गए, लेकिन गए कहाँ? जहाँ से आए थे वहीं चले गए। जब इसी जगत में अनंत जीवों को उन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा करके, कृष्ण भक्ति में उन्मुख करा के जब ये संसार से चले जाते हैं ना, तब गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु इनको स्वागत करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, अगर इसी माया जगत में फंसे हुए जो जीव है, अगर एक जीव को किसी तरह से प्रभु का भजन में लगा दिया, घुमा फिरा करके एक व्यक्ति को, कहते उसमें कितने पुण्य होगा? कहते कोई करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी उससे अनंत करोड़ों गुण में पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को आप प्रभु के भजन में लगा दिया तो। क्योंकि जो एक व्यक्ति को भजन में लगा दिया मतलब क्या है? वो चिरकाल के लिए संसार का समस्त दुख कष्ट को समाप्त करके भगवान को पा लगा देता। इसलिए भगवत चरण में वो चले गए। इसलिए कहते हैं यहाँ पर मरना शब्द नहीं प्रयोग करके यहाँ पर उत्सव शब्द, हम लोग उत्सव शब्द प्रयोग हम करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र ने बताए, जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, कृष्ण कहते ना हे अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीत ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति स्वर्जुन। बोले हे अर्जुन, मेरा जो जन्म कर्म ये अप्राकृत अवलोक है,
अगर इसको सही सही कोई समझ लेना, कहते शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करता है, उसी तरह वैष्णव का भी कहते नजन कर्म बंधनम वैष्णवानां च विद्यते। यदि वैष्णव का जन्म कर्म बंधन कुछ नहीं है, है? ये लोग प्रभु की इच्छा से आते हैं, प्रभु की इच्छा से जाते हैं, है? इसलिए आप लोग बोलोगे कैसे संसार में आकर के कर्म बंधन में, कैसे संसार में तो आए, आए तो इस संसार में, और आए कहाँ से, आए तो इसी संसार में। इसलिए उदाहरण देते हैं जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में देखना बीमारी भी वहीं पर है, डॉक्टर भी तो वहीं पर है, लेकिन डॉक्टर इस हॉस्पिटल में जाता है रहता है, इसका मतलब नहीं वो भी बीमारी है, वो भी रोगी है, वो रोगी नहीं है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है। तो उसी तरह देखने के लिए यद्यपि वैष्णव लोग इसी मर्त्य जगत में आते हैं, लेकिन आने पर भी इससे ऊपर गुरु वैष्णव इसकी ऊपर ही है। इसलिए आज हमारी गुरुपाद पद्म का तिरुभाव महामहोत्सव है, लेकिन मेरे को एक सौभाग्य मिला था। बोले क्या मिला था? गुरु जी उस समय जब उन्होंने अप्रकट हुए कलकत्ता में थे, लेकिन मैं जगन्नाथपुरी में रहता था। अच्छा अंतिम समय में गुरु जी अंतिम समय में जब अस्वस्थ लीला की, तब बोले भैया गुरुदेव अभी अस्वस्थ है, तब मैं जगन्नाथपुरी से मैं आया था, कहाँ पर कलकत्ता आया था। जब आया था तब हमारे मंदिर में दो दो भक्तों को ड्यूटी लगा दी, हर व्यक्ति दो दो घंटा दो दो भक्तों गुरु जी के पास में अंतिम समय में गुरु जी के पास में रहेंगे। अभी जिस समय गुरुदेव अंतर ध्यान अप्रकट हुए, मेरा उस समय ड्यूटी मेरा ही था, और एक नृसिंह प्रभु थे जो कलकत्ता की जो भंडारी वो, और मैं, हम दोनों ही गुरुदेव की हम सेवा कर रहे थे। मैं गुरु जी के सर पर खड़े होकर के वहीं पर खड़े तर्प में खड़े होकर गुरु जी का हवा कर रहा था, और जो हमारे जो नरसिंह प्रभु थे वो चरणामृत ठाकुर को चरणामृत लेने के लिए गए, गुरु जी का मुँह में थोड़ी सी चरणामृत देंगे। लेकिन जब चरणामृत लेने के लिए गए गुरुदेव, उसी समय में गुरुदेव लेट हुए थे, हठात हमने देखा गुरुदेव अपना आँख तो बंद किए हुए थे, उन्होंने आँख को खोल दिया, और उसी समय रात का 1:10 गुरुदेव आँख खोल दिए। मैंने सोचा गुरुदेव सुस्त हो गए, उन्हें देखा है ना आँख खुले हैं, लेकिन हमें, मैं तो छोटा बच्चा था उस समय, इतना मेरा कोई ज्ञान, मेरे कितना होगा 20 उस समय होगा मेरी, इसलिए मैंने सोचा गुरुदेव आँख खुले मतलब गुरुदेव ने अच्छे हो गए, तो आँख खुले। लेकिन उसी समय में गुरुदेव ने अप्रकट किया, उसी समय गुरुदेव ने अंतर ध्यान किया है। इसलिए वैष्णव लोग जिस समय में अंतर ध्यान होते हैं उसी समय से ही पता चलता है उनने कौन सा लीला में उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए उन्होंने उन्होंने रात्रि जो नई से लीला है, है? भगवान के 8 होता है, अष्ट जाप में ठाकुर जी अलग अलग लीला करते हैं। इसलिए रात को ठाकुर जी क्या करते हैं, ब्रज गोपियों के साथ में भगवान रास रचाते हैं, रात में रास रचाते हैं, माने गुरुपाद पद्म मैंने भगवान दिव्य रास में उन्होंने प्रवेश किया है। जब गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए फिर तो हमारे नरसिंह प्रभु आए, आकर के देखे गुरुदेव आँख खुले हुए, सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था सही हो गए, लेकिन उसी समय में अंतर ध्यान हुई, फिर तो उन्होंने नीचे से भक्त लोग सोए हुए थे सबको भक्तों को जगाया, उन्होंने जगा करके उसी समय में गुरुदेव ने अंतर ध्यान लिया, फिर तो सारे भक्त लोग सबके सब रोने लग गए, गुरुदेव इसी संसार से चले गए, सबके सब वहाँ पर रोने लग गए। इसलिए गुरुपाद पद्म आज का दिन ही उन्होंने इसी संसार से उन्होंने अंतर ध्यान लिया की है। अभी प्रश्न है, हम लोग इतने महत्व देते हैं गुरु जी का, हम जो इतने महत्व देते हैं, कितना प्रथम अंतु गुरु पूज्यम, भगवान खुद कहते हैं पहले गुरु जी की पूजा करो उसके बाद में फिर मेरी पूजा करो, गुरु जी के पूजा के बगैर डायरेक्ट जो मेरी पूजा करते हैं उनका पूजा निष्फल हो जाते हैं। जब हम सवेरे जय ध्वनि देते हैं, देखो पहले क्या कहते हैं, गुरु गौरांग, पहले हम गुरु जी के नाम को लेते हैं, फिर जब हम सवेरे, जब सबसे पहले हम लोग जो भजन गाते हैं क्या गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक
प्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम लोग ने कहते गुरुपाद पद्म कौन है, बोले गुरुपाद पद्म भगवान की कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करते हुए इस जगत में श्री गुरु जी रूप में आते हैं। क्यों? हम संसार में जो दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, ये संसार रूपी दावा नल में हम जो दग्धीभूत हो रहे हैं, हम उसको उद्धार करने के लिए गुरुपाद पद्म जगत में आते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बिनो गुरु भव निधि तारा ए न कोई, जो बिरिंति संकर सम होई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा और शंकर जी के बराबर भी कोई हो जाए, लेकिन अगर गुरु जी के चरण को आश्रय नहीं कर तो संसार से वो व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। इसलिए कहते ध्यान मूलम गुरु पदम, बोले जगत में बहुत तरह का ध्यान है, लेकिन ध्यान में सर्वश्रेष्ठ क्या है, बोले ध्यान मूलम गुरु पदम, बोले गुरु जी का जो चरण ही जिनका सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान मूलम गुरु पूजा मूलम गुरु मूर्ति, कहते पूजा का मूल क्या है, बोले गुरुपाद पद्म, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बोले संसार जीव को उद्धार कैसे होता है, बोले गुरु जी की कृपा से जीव संसार से उद्धार होते हैं, है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए कहते गुरु ही जीवन का मूल है भक्ति जगत में, इसलिए गुरुपाद पद्म कहते थे भक्ति जगत में रीढ़ किया, जैसे शरीर में पीठ में रीढ़ है हड्डी है, इसलिए हम बैठ पाते हैं। कहते भक्ति जगत का रीढ़ किया है, बोले गुरु चरण में भक्त, जिसको जितने गुरु जी की चरण में निष्ठा है, बोले गुरु पाद पद्म जहाँ रहे भक्ति निष्ठा, गुरु जी की चरण में जिसको जितने भक्ति निष्ठा है, बोले जगत तारिते सही हरे महाभक्त, इसलिए वही व्यक्ति जगत को उद्धार कर सकते हैं। है इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो कहा करते थे, कहते मेरे अंदर में इतना कोई योग्यता नहीं है, ज़्यादा हमने कोई लिखा बड़ा नहीं किया है, लेकिन आज जो विश्व ब्रह्मांड में मेरी जो नाम गुरुदेव कह देते केवल एक ही कारण है, गुरु जी की हमने सेवा की, निष्कपट रूप में मैंने गुरु जी की सेवा की है, केवल सेवा की वजह से गुरु निष्ठा की वजह से आज दुनिया में मेरी पूजा हो रही। गुरुदेव ये बात को बारम्बार कहा करते थे, गुरु जी के चरण में जो जिसकी निष्ठा है, जितने जितने सेवा बुद्धि जितना वो उतना ही भक्ति जगत में बढ़ सकता है। बोले गुरु जी के चरण में जिसको कोई निष्ठा जितना है नहीं, कहते भक्ति जगत में कभी बढ़ ही नहीं सकता है, भक्ति जगत है वो कभी बढ़ ही नहीं सकता है भक्ति जगत में। इसलिए गुरु निष्ठा कहते प्याक बोल भक्ति जगत में। अभी प्रश्न ये आता है, हम गुरु जी के चरण में इतने ऋणी क्यों, हम क्यों इतने गुरु 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 कह रहे, किस लिए गुरु जी के चरण में हम इतने ऋण, ये प्रश्न होता है ना, किस लिए, जिसको भागवत में कहते हैं बोले तुलया लवे नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य वर्त्यानाम किमुदासीस्य। जब चतुसन श्री पृथु महाराज के घर में आए तो उसी समय भगवान खुद साधु संघ की महिमा बता रहे हैं, कहते जीवन में अगर एक लव साधु संघ मिले, एक लव कितना, बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग एकवा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना अगर जीवन में साधु संघ हो, कहते वो साधु संघ से जीव को इतना वस्तु प्राप्त, महान वस्तु प्राप्त होता है, जिसको साथ में स्वर्ग में जो आनंद है, कितना आनंद है, कहते ये मरते जगत में जितना आनंद 100 गुण ज्यादा आनंद वहां पर है, मोहलोक में उससे और 100 गुण, तपोलोक में और 100 गुण, सत्यलोक में और 100 गुण, और मोक्ष लोक में मुक्ति जगत में तो कहते इतने आनंद जो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक लव साधु संघ से जो चीज प्राप्त होता है ना, कहते ये स्वर्ग से लेकर के कहते मोक्ष लोक तक जो आनंद है, उसको आनंद को वहाँ बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद इतने श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त होता है। तब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले क्यों भैया, ये साधु संघ से हमें क्या,
जो इतने महिमा साधु संत की महिमा बताए, गुरु जी से वैष्णव से हमें क्या मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भक्ति है ना, इसको एक बीज बताया गया, जैसे भक्ति को एक लता बताया। अब बताओ लता कब होगा? बीज के बगैर लता हो सकती है? बीज के बगैर तो कोई पेड़ नहीं होगा ना। लेकिन वो जो बीज है वो मिलेगा कहाँ से? और जो बीज के बगैर लता हो ही नहीं सकती, भक्ति एक लता है, लेकिन अभी प्रश्न वो बीज मिलेगा कहाँ से? कहते भैया ये बीज जहाँ तहाँ नहीं मिल सकता है, ये बीज तो केवल सदगुरु की कृपा से ही, वो भक्ति लता जो बीज है सदगुरु की कृपा से ही ये बीज मिलेगा, नहीं तो ये बीज कहीं तुम्हें मिलने वाले नहीं। और बीज नहीं होगा तो कोई भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहि, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है कर। वो बहुत बड़ी बात कहते हैं। जब तक किसी महत पुरुष, जब तक किसी साधु पुरुष का कृपा नहीं होगा ना, किसी तरह से भक्ति भक्ति मिलने वाले नहीं। इसलिए श्री भरत महाराज रघुगण को कह रहे हैं, बोले रघुगण न तपस्या, तपस्या से भक्ति नहीं मिलेगी, न जाति, कोई उच्च कुल में जन्म लेने से भक्ति नहीं मिलेगी, न इज्जत या दिन भर पूजा पाठ करते हैं इससे भक्ति नहीं मिलेगी, न निर्वाप न गृह अथवा घर त्याग दे दिया भक्ति नहीं मिलेगी, भले नहीं वह छंद सा वेद पढ़ता हूँ रोज रोज भक्ति नहीं मिलेगी, नहीं वह जलाग्नि जल अग्नि पूजा कर नहीं मिलेगी। बोले मिलेगी कैसे? बोले एक उपाय है, बिना महत रजप जो भी रह सके, जब तक किसी महत साधु की शरण में नहीं जाते, कहते जो कुछ जीवन में कर लो कुछ होने वाले। इसलिए बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, महत पुरुष के बगैर साधु के बगैर कौन कर्म भक्ति नहीं, किसी तरह से भक्ति नहीं होगा। बोले कृष्ण भक्ति दूरे रहो, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार ना है, संसार ही तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, इस संसार की आसक्ति संसार की बंधनी खत्म नहीं होगी, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए हम ऋणी है गुरु जी से जो भक्ति लता जो बीज जो मंत्र गुरु जी ने दिया, ये मंत्र नहीं गुरु जी की कृपा है, हमारे प्रेम गुरु जी की कृपा है। उन्होंने जो हमें स्वीकार करके जो हमें मंत्र मतलब जो बीज हृदय में जो बीज बोया, ये बीज केवल श्री गुरुदेव से वैष्णव से मिलते हैं। अब बीज नहीं हुआ तो भक्ति कभी हो ही नहीं सकती, भक्ति का तो कोई बात नहीं। इसलिए हम सबके सब गुरु जी के चरण में वैष्णव के चरण मिलेंगे। और हमारे श्री बामन गोस्वामी महाराज और एक बात कहते थे, वो बहुत बड़ी बात कहते थे, बोले देखो गुरु जी के चरण में हम क्यों इतना रहें, बोले जब भगवान ने राम आए ना उसी समय हम किसी ना किसी रूप में होए, कोई पशु पक्षी कीड़े मकड़े मतलब कहीं पड़ना हो, जब भगवान कृष्ण आए तभी हम कहीं ना कहीं होएंगे पेड़, क्योंकि कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, हम अनादिकाल से तो भगवान से विमुख होकर के आए ना, अनादिकाल से तो विमुख होकर के आए, उसी समय कहीं पेड़ पौधा पशु पक्षी बनकर होते रहेंगे हैं। कहते जब चैतन्य महाप्रभु आए उसी समय भी हम किसी ना किसी तरह होएंगे, जब छह गोस्वामी आए तभी तो हम किसी तरह से होएंगे हैं, जब श्री जीव गोस्वामी आए नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तभी भी होएंगे, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण प्रभु तभी भी होएंगे हैं, तभी भी होएंगे भक्तमणि ठाकुर तभी होएंगे। लेकिन हमें क्या कृपा किया, किसने किया है हमारे ऊपर में, इन लोगों को कृपा किए हैं, किसने हमें कृपा करके ये नरक से किसने हमें निकाला है, किसने हमें कृपा करके मंत्र दिया है, किसने कोई कृपा करके हरिनाम हमें दिया है, दिया तो किसने हमें दिया है, श्री गुरुदेव ने दिया है। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, हमारी चोटी पकड़ करके नरक से अगर किसने निकाला ना, मेरे गुरुदेव ने ही हमें नरक से निकाला। इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में हम सबके सब श्री ऋणी है। बोले नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री लाल प्रभुपाद की जय। इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में हम सबके सब ऋणी है गुरु जी के चरण है उनकी। इसलिए हम इतने गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी इसलिए हम इतने गुरु जी हम बोलते हैं। इसलिए कहते मेरे जो गुरुपाद पद्म है उनकी थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं।
कभी ये कहाँ जन्म हुए, कभी इनका जो जन्म हुए है ये बरिसाल है, कभी ये पूर्व बंगाल का बरिसाल एक स्थान है और वहीं से उनका जन्म स्थान हुए है, कभी ये उच्च कुल में जन्म हुए और साधारण घर में जमींदार घर के, हमारे गुरुदेव वो जमींदार घर के थे है, इसलिए गुरुदेव कहते थे एक गुरुदेव बचपन से बहुत मिठाई खाते थे, गुरुदेव बोलते थे गुरुदेव एक मिठाई का दुकान हमारे लिए छोड़ा हुआ था, हमारे पिताजी बोले मेरे बेटा जब आएगा मिठाई खाने के लिए मिठाई खिला देना, मास में महीना को लास्ट में हमने बिल पकड़ा देना, इतने मेरा बच्चे ने इतने मिठाई खाई है, बोले पूरा एक दुकान हमारे लिए छोड़ा हुआ था, जितने मिठाई वहाँ जमींदार घर के थे हैं, जमींदार घर के थे, जो पूर्व बंगाल है कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए हुए थे और पूर्व बंगाल में कुंडली की विद्यानी थी, इनका जन्म नरोत्तम दास ठाकुर और बहुत बहुत महाप्रभु के बहुत परिकर लोगों ने पूर्व बंगाल में जन्म लिया, उसलिए उसको दूसरे वृंदावन कहा जाता था। हमारे गुरु जी कहते थे जब कोई वैष्णव हमारे गांव में आते थे, अब सोच नहीं सकते उनको कितने स्वागत करते थे, जितने दूर कहीं गेट से होगा वहीं से पूरा के पूरा माताएं सब कपड़ा बिछा देते थे और घर से सबके सब निकल करके शंख ध्वनि करते थे, कलसारी बजाया करते थे सबके सब, और जब वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं ना वैष्णव का चरण धो करके कपड़े से पोछा नहीं लगाते थे, अपना केसों से, अपना केसों से उन्होंने चरण को ये पोछते थे, मतलब वैष्णव का प्रति इनकी कितने भावना श्रेष्ठ भावना है, इसलिए इतने अब सोच नहीं सकते, इतने पूर्व जो बंगाल है उनकी कण कण में इतने भक्ति, अक्सर करके जितने हमारे गुरुवर्ग आए प्राय करके मेरे गुरुदेव उधर से आए, श्री भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमुख पुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति वृंदा पावन गोस्वामी महाराज, औडली महाराज, केशव गोस्वामी महाराज, प्राय करके देखोगे अक्सर करके प्रभुपाद का प्राय करके जितने गण है ना उधर से आए, बोले उधर इतने भक्ति की माहौल कैसे बना, तो उसका कारण बताते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये दुनिया छोड़कर गए, वो अपना प्रेम को एक नदी थी जिसका नाम थी पद्मा, बोले पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम को रख करके जा रहा हूँ, भविष्य में एक बहुत बड़े महान पुरुष आएगा, वो प्रेम को उनको दे देना, बोले पता कैसे चलेगा, बोले वो इतने बड़े संत हैं उनका चरण केवल तुम्हारी पानी में स्पर्श होते ही अपने आप तुम्हारे हृदय उफरने लग जाएगा, प्रेम में हृदय गदगद होने लग जाएगा, तुम समझना वही महापुरुष है। कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब नरोत्तम दास ठाकुर आए उनका चरण स्पर्श पानी अपने आप उफरना शुरू कर दिया, और उसी समय में एक हवा आई, वो हवा उसमें लगा, लग करके वो जिधर चला गया ना, पूर्व बंगाल में बहुत सारी जगह है, सब जगह के लोग भक्ति नहीं करते, वो हवा जिधर चली गई ना उस तरफ में सारे गुरुवर्ग उधर जाए, बोले महाप्रभु का जो प्रेम ही उस तरफ में बहते हुए गए हैं, बहते हुए गए, इसलिए सब उधर हमारे गुरुवर्ग लोग आए, मेरे गुरुदेव ही उधर से ही मेरे गुरुदेव आए हैं, इसलिए जंगली काट एक गांव का नाम है वहीं पर, इसलिए वहीं पर हमारे गुरुदेव, वहीं पर गुरुदेव की जन्म स्थान वहीं पर हुए हैं। कहते गुरुदेव आए कैसे, पहले प्रभुपाद क्या करते थे, अपना सन्यासी लोगों को चारों तरफ में प्रचार करने के लिए भेजते थे, जाओ तुम सबके सब प्रचार करना, तब उसी समय में एक भक्ति विवेक भारती गोस्वामी प्रभुपाद का सन्यासी से है, तो उनको उन्होंने उधर तुम लोग प्रचार किया, जब प्रचार करने के लिए लोग गए तब पूरा बंगाल में वहाँ पर बड़ी हल्ला हो गया कि संत आए, और भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज बहुत लंबे चौड़े थे देखने में, इतने लंबे चौड़े थे सब लोग खड़े हो जाएंगे, जब ये खड़े हो जाएंगे ना सबको ऊपर में इतने बड़े हो, वो इतने उनका जो पर्सनालिटी इतने लंबे चौड़े थे, कहते प्रभुपाद अगर कहीं हजार हजार लोग जहाँ पर एकत्रित हुए लोगों को चुप कराया नहीं जा पा रहा है, उसी समय प्रभुपाद कहते भारती महाराज को खड़े करता हूँ, भारती महाराज जब खड़े हो जाते थे इनको देख करके ना बाबा इतना बड़ा आदमी, उनको देख करके अपने आप लोग चुप हो जाते थे, उन्होंने बच्चों को लेकर गए ब्रह्मचारियों को लेकर प्रचार करने के लिए गए,
जब गए उसी समय हमारे गुरुजी कॉलेज में पढ़ते थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे हमारे गुरुदेव कॉलेज का लीडर थे, और वहाँ एक पार्टी था जिसका नाम विवेकानंद। उस समय भारत में विवेकानंद को बहुत बड़े साधु माने जाते थे, इसलिए हमारे गुरुदेव लीडर थे उसमें। पहले तो संतों के ऊपर में स्वाभाविक रूप में प्रेम होता था। किसी ने आकर के हमारे गुरु जी के बचपन का नाम था शिव शंकर, इनका नाम था शिव शंकर, बोले शिव शंकर हमारी इधर एक बहुत बड़े साधु आए, सर्वत्र हरि कथा प्रचार कर रहे हैं, क्या उनको हम अपना कॉलेज में बुला सकते हैं? वो भी हमारे कॉलेज में आए और यहाँ पर हमें भी कुछ गीता की बात सुनाए। बोले क्यों नहीं, बुलाओ संतों को। तो हमारे भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज अपना दल बल अपना भक्तों को लेकर के आए। आकर के उन्होंने कॉलेज में उन्होंने बड़े सुंदर गीता का पहला श्लोक उन्होंने व्याख्या किया, इतने सुंदर कहते एक घंटा तक उन्होंने व्याख्या किया। हमारे गुरुदेव कहते थे उनकी व्याख्या सुन करके, पहले लोग सब गीता पढ़ते थे, घर घर में गीता होता था, बोले गीता तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन उनको जो व्याख्या था ना, हमने कभी इतने सुंदर व्याख्या नहीं सुनी। जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे सब भेद जुजु सब माम कहा पांडव शैव किम अकुर्बन संजय है, ये जो श्लोक को इतने सुंदर व्याख्या किए, उसमें बड़े सुंदर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जो टीका है ना, वो टीका को लेकर उन्होंने व्याख्या किया। बोले उसको कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहते जो कुरुक्षेत्र को कहते इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। बोले धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? बोले कुरु महाराज ने वहां पर हजार उन्होंने यज्ञ किया था और वहीं पर उन्होंने खेती की थी, उन्होंने वहीं पर यज्ञ किया था, इसलिए कुरुक्षेत्र, कुरु मतलब कुरु नाम का राजा थे, वहीं पर उन्होंने खेती किया था, हजार यज्ञ किया था, इसलिए कहते वो धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सम भेद जुज सभा, ये कौन कह रहा है? ये धृतराष्ट्र कह रहा है संजय को। सम भेद जुज सभा बोले युद्धों को इच्छा लेकर के सबके सब उपस्थित हुए हैं, सबके सब उपस्थित हुए हैं, लेकिन फिर प्रश्न करते हैं, भैया जब सबके सब युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, किम अकुर्बन संजय, है संजय ये लोग वहां पर पहुंच करके क्या किया था? तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भैया कृष्ण ने कितने समझाया, शांति दूत बन कर गए, युद्ध मत किया करो, है युद्ध से हानि होता है, लेकिन कृष्ण इतने समझाने का बाद में भी दुर्योधन राजी नहीं हुआ। बोले बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं। जब वहां पर युद्ध करने के लिए गए, फिर प्रश्न करते किम अकुर्बन, फिर क्या किया था, ऐसे क्यों प्रश्न करते हैं? वो तो युद्ध करने के लिए गए, युद्ध करेंगे। फिर कहते हैं भैया उस स्थान का नाम धर्म क्षेत्र है, वो स्थान धर्म क्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं हो सकता है, युधिष्ठिर का तो स्वाभाविक रूप में धर्म में इसका रुचि है, ऐसे नहीं वहां पर जाकर इसका मन बदल गया। भैया भाई युद्ध करके क्या होगा, रक्त से सने हुए राज्य लेकर करना क्या, इसलिए जरूरत क्या, सिर्फ भैया छोड़ो, हो सकता है इनके मन परिवर्तन हो जाएगा, है परिवर्तन हो जाएगा, युद्ध फिर नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो जो पांडव है ना जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चों का कांटा बनकर रह जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं भैया किम अकुर्बन संजय, उन लोगों ने पहुंच कर क्या किया था, उन्होंने ये एक श्लोक को इतने व्याख्या ने किया था। मेरे गुरुदेव कहते हैं इनकी व्याख्या सुन करके मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। फिर कथा के बाद में हम लोग कीर्तन करते ना, फिर भक्ति विवेक भारती गोस्वामी इतने बड़े लंबे और कितने सारे भक्त लोग थे, ब्रह्मचारी थे, पर लास्ट में उन्होंने गोपीनाथ मामा निवेदन सुना, ये कीर्तन को लेकर उन्होंने क्या उन्होंने भजन गाए इतने सुंदर। सर लास्ट में जैसे खूब हम करतली बजा कर खूब नाचते गाते, बोले ब्रह्मचारी लोग ऐसे नाचे गाए, मेरे गुरुदेव कहते उसको देख कर तुम्हें पागल हो गया, मैं तो सोचा और घर में मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो इन्हीं के साथ में यहीं से चले जाता हूँ। गुरुदेव कहते हैं उसी समय में मेरा मन तो यहीं पर रह गया, केवल मैं शरीर को लेकर के बड़े कष्ट से मैंने ये शरीर को लेकर मैंने गया अपना घर में, किसी तरह से रात को मैंने बिताया और सवेरे आ गया। आकर के जैसे यहाँ पर हम कीर्तन पाठ करते हैं ना, वहाँ पर
भक्ति भारत गोसाई महाराज बैठे हुए और सारे ब्रह्मचारी वहां पर बैठे हुए। और उस समय में तो कलेजे में पड़ रहा था, छोटा बच्चा था, और साधुओं को देख करके सम्मर्म ज्ञान होता है, कैसे पूछूं कैसे बोलूं, हो सकता है हमको लेंगे नहीं, पूछूं तो किसको पूछूं। मेरे गुरुदेव जाकर के ना ऐसे ऐसे देख रहे थे, सबसे छोटा बच्चा है इतने जिसको पास में मैं पूछ सकूं, अगर मैं साधु बनना चाहता हूँ क्या मेरे को ये साथ में ले चलेंगे। गुरुदेव कहते मैं ऐसे ऐसे देख रहा था। भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज समझ गए ये कुछ बोलना चाहते हैं। बोले कुछ बोलना चाह रहे हो बच्चा? बोले हाँ मैं कुछ बोलना। बोले किसको? सबसे छोटा कोई एक ब्रह्मचारी था। बोले मैं इसको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले जा बेटा क्या बोलता है सुनो। ले गए। बोले मेरी इच्छा है मैं भी तुम लोगों को साथ में साधु बन करके मैं मंदिर में जाना चाहता हूँ, क्या हमको ले चलोगे तुम लोग? जब उन्होंने ये बात को पूछे ना, लेकिन भैया वो तो इसीलिए आए, बच्चों को पकड़ने के लिए तो आए हैं, बच्चे पकड़ने वाले साधु, वो तो चाहते हैं सब साधु बना कर ले जाए भजन करे। तब भारती महाराज को बोले, बोले क्यों नहीं, हम तुमको साथ में ले चलेंगे, हमारे साथ में चलना भजन करना। बास जो बोले बास उन्होंने गुरुदेव वहीं पर रह गए, और गुरुदेव गए नहीं, वो तो बड़े जमींदार घर के। आपको पता होगा हमारे भारत में कोई बच्चा अगर भजन के लिए बोले जाए ना कितने लड़ाई झगड़ा होता है, हैं? इतने में उन्होंने क्या किया, गले में कंठी तिलक लगा ली, तालो काट दिए, इनको साथ में रहने लग गए। परिवार बोलने पर भी घर में नहीं गए। जब नहीं गए तो गुरुदेव कहते हैं इन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया कि कहाँ से संत लोग आए, हमारे बच्चे का बुद्धि को खराब कर दिया और हमारे बच्चे को ये पकड़ करके ले जाना चाह रहे अपना साथ में, हमारे बच्चे का बुद्धि खराब कर दिया, पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। अभी ये लोग पूर्व बंगाल में, अभी ये बंगाल में आएंगे, कलकत्ता में आएंगे, इसलिए वहाँ पर नदी पार करना पड़ता है, वहाँ पद्मा नदी और बड़े बड़े नदी, वहाँ पर सीप में नदी पार करते हैं। गुरुदेव कहते जिस समय हम लोग आए उसी समय में कितने पुलिस वहाँ पर खड़े हुए और उन लोगों ने हमें पकड़ करके जोर जबरदस्ती हमें खींच करके अपना घर में लेकर गए। गुरुदेव कह रहे थे मैं उस समय इतने रो रहा था जैसे गुरुदेव रो रहे थे, जैसे नारद है, जैसे नारद, जैसे उन्होंने साधु संत 4 महीना तक किए, लेकिन जब साधु लोग चले गए, नारद जैसे दुखी हो गए, उनको मैया जैसे जाने नहीं दिया, एक बेटा ऐसे ही मैं बहुत रोया, मेरे घर में पकड़ कर ले गए। जब ले गए गुरुदेव कहते हैं जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में, जैसे मेरे जीवन में ठीक वैसे है। रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे उनको पिता माता ने, जमींदार घर के बच्चे, पिता माता ने किसी तरह से घर जाने नहीं देते थे, चारी तरफ पे पहरादार लगा दिया, पेशाब करने के लिए जाए तभी साथ में लोग, पायखाना करने के लिए जाए तभी लोग, हाँ उनके साथ में कौन है, कहते गाइड करने वाले उनको जो पहरादार, कहते मेरे को भी ऐसे, मेरे को घर से और बाहर निकलने कोई नहीं थे, 4-5 जमींदार घर के थे, 4-5 लोग हर समय मेरे साथ में, कहीं मेरे को जाने नहीं देते, सोए तो दरवाजे के बाहर में पहरादार देते। जब ऐसे कुछ दिन गया गुरुदेव कहते मैंने देखा भैया ऐसे घर से निकलना बड़ा कठिन, हमको तो छोड़ घर से निकलने नहीं दे रहे, जब जाए पीछे पीछे चल रहे। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने ना नाटक किया, अपना गले का माला अपने खोल फेंक दिया, अपना चोटी को काट दिया, बोले पता नहीं ये बाबा लोग कहाँ से आकर मेरे बुद्धि खराब कर दिए थे, उल्टा पुल्टा बोल करके बुद्धि मेरे भ्रष्ट कर दिया, हम भजन कुछ नहीं करेंगे, सब बेकार बात है। जब मैंने चोटी गले से माला उतार दिया ना, परिवार वाले सोचे लगता है लाला सही हो गया बेटा। फिर मैंने ऐसे कुछ दिन नाटक करते हुए मैंने घर में रहा, सबके साथ में बोलना चलना, सब लोगों ने सोचा नॉर्मल हो गया है। मैंने कुछ दिन बाद में बोला तुम लोग मेरे को घर से बाहर नहीं निकालने दिए, मैं घर में बैठ कर बोर हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ उनकी जो बड़ी बहनी कहीं शादी होकर कहीं दूसरे गाँव में, बोले मैं अपना बहनी को साथ में मैं मिलना चाहता हूँ, है मेरे को बहन के साथ में मिलने के लिए। तो बोले बच्चा तो अच्छा हो गया, मिल जाओ, लेकिन पहले से मैंने उनका एड्रेस लिख करके रख दिया था, वो बहन का नाम बोल करके ना सीधा मैंने कलकत्ता चला गया, प्रभुपाद के पास में मैंने प्रभुपाद के पास में चला गया, प्रभुपाद के पास में, पर वहीं पर रह करके मैंने भजन किया।
तो गुरुदेव कहते मैं जब पहले मंदिर में आया तो गुरुदेव ने मेरे को एक कीर्तन गुरुदेव ने मेरे को बोले, बोले ये कीर्तन को तुम पढ़ना। वो जो कीर्तन था ही बोले दुर्लभ मानव जन्म लाभिया संसारे कृष्ण ना भजिनो दुख कारिब कारे संसार संसार करे नीच गेल काल लाभ नाही लगी जो काटिल जाल। इसमें प्रभुपाद ने मेरे को ये कीर्तन सबसे पहले बोले ये कीर्तन को तुम पढ़ो, क्या बोलता है। कहते मैंने वो कीर्तन को पढ़ा, इसमें क्या कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारी, ये मानव शरीर है ये संसार में 84 लाख जन्म के बाद में मिला है, लेकिन हमने किया क्या, जीवन को पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, ये जीवन को हमने विषय में बर्बाद कर दिया। बोले कृष्ण ना भजन दुख कही वो कहारी, लेकिन हमने कृष्ण भजन नहीं किया, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन क्या किया, बोले संसार संसार करी पीछे गले का झूठे में जीवन बिता दिया, लाभ ना हो कुछ घट ले जंजाल। संसार करते करते मिला क्या लाभ, तो कुछ हुआ नहीं, जंजाल ही हुआ। क्या जंजाल, संसार का जो चिंतन है, बैठ कर कहीं भजन करने के लिए कोशिश करो क्या होगा, जिंदगी में जो कुछ क्या वही चिंतन आएगा है। बोले देह गेह कलत राधि चिंता अभिरत, देह गेह परिवार की चिंता 24 घंटा दिमाग में वही चीज दिमाग में रहती है। देह गेह कलत राधि चिंता अभिरत जागी चे हृदय मरे बुद्धि कर लग। या क्या करता है, हमको क्या करनी चाहिए, भगवत भजन करनी चाहिए, लेकिन मन क्या करता है, भगवत भजन में लगता है नहीं, दिन भर उल्टा पुल्टा चीज में दिन भर मन लगा रहता है। इसलिए कहते गर्धवेर मातामी करी परिश्रमा तार लागिए तो करी ना तुझे लभ्रमा। जैसे एक कथा दिन भर जैसे पेट पर बोझ ढोता है, खाता है क्या भूसा घास खाता है, कहता अब भी संसार की बोझ को ढोते ढोते जीवन हमारी भी बर्बाद हो गया, लेकिन संसार से कुछ भी हमें मिला नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ है। इसलिए ये भजन इतने सुंदर भजन है, बोले प्रभुपाद सबसे पहले मेरे को ये बोले बेटा ये भजन को पढ़ो, देखो ये भजन में क्या कह रहा है। सबसे पहले मैंने ये भजन गुरु प्रभुपाद मेरे को दिया, उसको बाद में फिर धीरे 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 मैंने प्रभुपाद का चरण में रहते हुए हरि कथा सुना, भगवान की सेवा किया, भक्ति किया, और भक्ति करते हुए जैसे हमारे साथ में से बच्चे लोग आते हैं ना प्रचार करने के लिए आते हैं, कहते एक समय प्रभुपाद ने एक नेमी महाराज थे उनको साथ में ब्रह्मचारी को भेज दिया, हम मैमन सिंह पूर्व बंगाल में स्थान है, बोले जाओ तुम लोग वहाँ महाप्रभु का धर्म को प्रचार करके आओ। जब वहाँ पर गए बहुत लोग इकट्ठे हुए थे और क्या किया मेरे को खड़े कर दिए, नेमी महाराज थोड़ा यहाँ हरि कथा सुना, ए गुरुदेव ऐसे हरि कथा सुनाना आग लगा दिए सबने, इतने आग लगा दिए गुरुदेव, मतलब उनने ऐसे कड़क कड़क बात बोले है, ऐसे कठोर बात बोले, क्योंकि उसी समय में बंगाल में जाओ ना वो लोग कहते हैं जय राम जय कृष्ण और कलिजुग है राम कृष्ण, त्रेतायुग में जो राम आए जो कृष्ण आए ना कलिजुग में वही राम और कृष्ण, अभी कलिजुग में यही जो राम कृष्ण परमहंस कहते यही राम कृष्ण, और जो विवेकानंद है ना कहते ये जगत में सबसे बड़े साधु ये विवेकानंद, इनके बड़ा साधु दुनिया में कोई है नहीं है। वहां पर तो बड़े इनको इस बंगाल में जाओ ना इनको ही भगवान बोलकर घर घर में इनकी पूजा होती है, उनका शारद माँ है वही गुरु परंपरा, भगवान भगवान कुछ नहीं। इसलिए और उसका जो फिलोसफी है ना बड़ी गड़बड़ी फिलोसफी है रामकृष्ण मिशन क्या करता है, क्या उनका क्या जीव सेवा, जीव ही सीव है। इसलिए कहते भैया कहाँ भगवान को तो ढूंढ रहे हो, भगवान तो तेरे सामने ही घूम रहे हैं, ये जीव है ना है बहुर पे भगवान तुम्हारे बहु रूप में, ये जीव रूप में तो तुमको क्या कर रहे, जीव रूप में तो नर नारायण है, इसलिए नर को ही वो नारायण कहने वाले, जीव सेवा को ही सब कुछ मानते हैं,
इसलिए बहुमुखे सम्मुखे तुम्हार, बोले तुम भगवान का ढूंढे, तुम सामने तो यही तो भगवान, जीव तो भगवान, यही तो नर नारायण, यही तो नारायण है। इसलिए जत्र सीर तत्र सीर, नर ही नारायण है। उनका बड़ी बड़ी गलत गलत फिलोसफी है, बोले तुम कुछ भी क्यों नहीं कर एक जगह पर जाओगे। जैसे एक तालाब है, अलग अलग धारा से धारा आई है, लेकिन वो सबके सब तालाब में मिलते हैं। इसलिए सब बराबर है, सबके सब बराबर है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे प्लेन में ऊपर चले जाओ ना, बहुत ऊपर चले जाओ, नीचे देखोगे ना क्या सब बराबर लगता है। उसी तरह जब ऊपर चले जाओगे ना, सब बराबर दिखोगे। अरे जीव ही नारायण है। जितने जगत में बात है सब कुछ पाते है। तुम जो कुछ क्यों नहीं करे एक जगह पर तुम पहुंचोगे। इतने लोगों को भ्रमित किए हुए ना, बहुत लोग इसको पीछे पीछे सब चलते हैं, इनके पीछे पीछे लोग सब चलते हैं। गुरुदेव ना वहां पर खड़े होकर के ऐसे उन्होंने काली बका, गुरुदेव ने बोले ये राम छागल है। इसलिए जो राम कृष्ण कहते, जो राम कृष्ण जो मिशन को बोले मुर्गा मिशन, क्योंकि वो लोग मुर्गा खाते हैं, मांस मछली सब कुछ खाते हैं वो लोग, बोले ये मुर्गा मिशन है सबके सब। इसलिए जो राम कृष्ण परम कहते मूर्ख पुजारी है, विवेकानंद ने ये बेकूफानंद है। गुरुदेव ने ऐसे ऐसे उन्होंने बोले ना, वहां पर तो उनको भगवान मानने वाले थे, ये सब सुन करके इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए, सबके सब जूता लेकर पत्थर लेकर मारने लग गए। बोले कहाँ से साधु बाबा सब आ गए और उल्टा पुल्टा प्रचार करते हैं। ए सब जो सभा है सब एकदम तसनस हो गया और पूरा के पूरा वहां पर प्रचार हो गया, ये गौड़ीय मठ वाले राम कृष्ण जो भगवान को कहते मूर्ख पुजारी, विवेकानंद को बेकुबानंद कह रहे, ये सबके सब है। हमारे भारत में नोबेल पुरस्कार जो रामकृष्ण उसको मिला था, नोबेल पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, आपको कहते ये तो रसोई घर का किताब है, किसको मिला था नोबेल पुरस्कार वहां पर कलकत्ता में। इसलिए एकदम वहां पर ना सब अपप्रचार हो गया सबके सब है। दूसरे दिन न्यूज पेपर के हेडिंग में आ गया, गौड़ीय मठ का नाम आ गया, ये गौड़ीय मठ वाले ऐसे उल्टा पुल्टा प्रचार किया, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसलिए ये है ना पूरा, इसे वो जो नेमी महाराज थे उसी समय उन्होंने प्रभुपाद को टेलीग्राफ किया, बोले प्रभुपाद जो सिद्ध स्वरूप, मेरे गुरु जी का नाम था सिद्ध स्वरूप, बोले ये सिद्ध स्वरूप ने सारे सारे बिगाड़ दिया प्रचार को, लोग कोई भिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम भिक्षा लेने के लिए आए थे, लोग कोई भिक्षा नहीं दे रहे हैं, जूता और ईंट पत्थर से सभा को मारे। इसलिए इतना इतने उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया, प्रभुपाद इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले ये सिद्ध स्वरूप मेरा लाख रुपया की प्रचार कर दिया है। उस समय लाख रुपया थोड़ा कीमत था, उसने लाख रुपया की प्रचार कर दिया। तुम लोग, मैं जो बोलता हूँ, प्रभुपाद का वाणी है, मैं जो बोलता हूँ ना, तुम लोग मेरे वाक्यों को 25% बोलते हो और अपने वाक्यों को मिलाकर 75% बोलते हो, लेकिन सिद्ध स्वरूप ने मैं जो बोलता हूँ, सिद्ध स्वरूप ने मेरे बात को पूरा के पूरा सिद्ध स्वरूप ने बोला, लाख रुपया की प्रचार कर दिया। कोई चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, सब लोगों को फिर वहां पर बुलाओ है, प्रभुपाद आ रहे, फिर मीटिंग होगी। फिर दूसरे दिन बहुत और बहुत लोग आए, क्यों उल्टा पुल्टा प्रचार कर दिया ना, क्या होगा गौड़ीय मठ वाले क्या बोलेंगे। और गौड़ीय मठ वाले का नाम था, हजार हजार लोग आए। जब आए फिर मेरे गुरुदेव को फिर प्रभुपाद ने खड़े किए, बोले सिद्ध स्वरूप तुमने इस बात क्यों बोले हो, बताओ इस विषय को। पर में पहले मेरे गुरुदेव रामकृष्ण जो मिशन को मिशन में जो उनका जो विवेकानंद पार्टी में मेन थे, उनकी फिलोसफी मेरे गुरु जी का सब कुछ पता था। फिर मेरे गुरुदेव खड़े होकर बोले, बोले देखो तुम लोग बोलते हो राम कृष्ण को भगवान, भगवान कब आते हैं, कल सुन रहे थे ना, भगवान ऐसे नहीं आ जाते हैं, भगवान मरते नहीं, भगवान मरते नहीं, राम मरे सब शरीर में, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, कृष्ण मरे पूरा गोलोक वृंदावन को सभी को लेकर गए, इस जगत में भगवान हर समय नहीं आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान और कोई भगवान नहीं। कितने उन्होंने प्रमाण दिया शास्त्र से, कहां वेद में, कहां पुराण में, कहां उपनिषद में, भागवत में, कहां भगवान का नाम बताए, भगवान कोई बूढ़े नहीं बनते, भगवान कभी मरते नहीं। इसलिए तुम लोग कहते हो रामकृष्ण भगवान,
क्या प्रमाण, कई शास्त्र में कई प्रमाण है, राम कृष्ण भगवान है और उसका फिलोसफी क्या है, जगत में जितने जीव है, जत्र जीव तत्र सीव, ये जीव नर नारायण है, नर नारायण है, नर नारायण है, नारायण सड़ सड़ ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, जिनका नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। तुम लोग नर, नर कौन है, अपना कर्म फल में बाध्य होकर के जीव ये संसार में दुख कष्टों को भोग कर रहे हैं, और जो माया में जो बिलबिला रहे जीव को, वहां पर एक श्लोक आया है, कहते ब्रह्म रुद्रादि देवतै सम्मत्वेन अव भिक्षते सब पाषण्डी भवेत ध्रुवम्। शास्त्र कहता है जीव की बात छोड़ दो, अगर ब्रह्मा शंकर जी को भी जो भगवान को साथ में बराबर करते हैं, सब पाखंडी भवेत ध्रुवम्, बोले निश्चित रूप में ये पाखंडी कहा जीव को तुमने नारायण बता दिया, और जीव संसार में कर्म फल में तर तर दुखी होकर भटक रहे हैं, कहा भगवान ने सारा ऐश्वर्य संपूर्ण वैकुंठ में रहने वाला इसको तुमने बता दिया, जीव ही सीव है, और उनका फिलोसफी क्या, जो कुछ करो एक जगह पर जाओगे। उसी समय में सबके सब गीता पढ़ते थे, बोले आप लोगों ने गीता पढ़े कि नहीं, बोले हाँ गीता पढ़े, बोले देखो भगवान गीता में क्या कहते हैं, बोले जाति देवव्रत देवान पितृनि जाति पितृव्रता भूतानि जाति भूतेज्या जाति माम जाजना भी माम, जो कुछ करे एक जगह पर नहीं पहुंचोगे। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे आपने लेटर लिखा, लेटर का लेकर आपको पहले होता ना बक्से में डाल देते थे, बक्से में डाल देते थे, जहाँ की एड्रेस होगा ना वो लेटर वहीं पर जाएगा, सब एक जगह पर नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जो वैसे फल मिलता है, जो देवता को पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, जो जीव की पूजा करेगा जीव लोक में, जो पिता माता की सेवा करेगा पिता माता के लोक में, और जानती माम जाजना भी माम, जो मेरे को पूजा करेगा मेरे पास में जाएगा। फिर कृष्ण क्या कहते हैं, कहते आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरा वर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन अगर जीव पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक जाए ना, पुण्य खत्म होते फिर यही आया, लेकिन माम उपतु तू कौंते पुनर्जन्म न पिते, केवल जो मेरे पास में आते उसका ही पुनर्जन्म नहीं होता है। देखो ये कितने गलत फिलोसफी उन्होंने बताई, ये कितने गलत फिलोसफी। फिर उन्होंने गीता को उदाहरण देकर इतने समझाए, फिर विवेकानंद को इनको बड़े साधु मानते थे, वो कहता है गीता पढ़ कर क्या होगा, गीता क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो जाकर के, ये तुलसी में क्यों पानी दे रहे हो, तुलसी में पानी देने से फल देगा, बैगन पेड़ में मिर्ची पेड़ में पानी दो वो फल देगा, इसलिए तुलसी पेड़ में पानी मत दिया करो, और गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ने से क्या होगा, जब फुटबॉल खेलो हेल्थ अच्छा रहेगा। आप लोग भारत के लोग है, हिंदू लोग है, हमारी जो हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ गीता है, कहा गीता ज्ञान, भगवान की मुखनिश्रित ज्ञान, भगवान को कहते हैं जा स्वयं पद्मनाभस मुख पद्मम विनिश्चित, गीता भगवान की मुख्य वाणी, वो कहता है कैसे साधु है जो कहता है गीता नहीं पढ़ करके फुटबॉल खेलो, और तुलसी हमारी देवी है, कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नम भक्त्याभिना अपराध लक्ष्यसी कमादि तरंग मध्य कृपा मई तम शरण प्रपन्ना वृंद निमस्त चरणारविंद, कहा भगवत प्रेम भगवत भक्ति देने वाले के तुलसी में पानी नहीं मिलते पेड़ में पानी दो, बताइए कोई साधु का बात है, लोग बोले ये तो बात सही कह रहे हैं, और कहते सब बराबर है, सब बराबर, जैसे ऊपर चले जाओ नीचे देखो सब बराबर है, भैया बराबर कैसे, आकाश में जब प्लेन में जाते हो सब बराबर हो जाता है ना, अपना दृष्टि की शक्ति खत्म हो जाती है, अपना दृष्टि से देखने इसलिए बराबर दिखती है, वो थोड़ी कोई बराबर हो गए, सब बराबर नहीं, जो जैसे वो वैसे ही है, वो सबके सब कोई बराबर नहीं, जो कुछ करेगा एक जगह पर नहीं जाएगा। उनने उनको सारे फिलोसफी गुरुदेव को पता था, उनने एक एक उठा करके उन्होंने ऐसे ऐसे खंडन किया ना, ऐसे ऐसे गुरुदेव ने गुरुदेव बोल रहे थे, मैंने इतने खंडन मंडन उनकी सारे फिलोसफी को उठा उठा करके मैंने बताया है, बोले उन्होंने जाकर के विदेश में उन्होंने प्रचार किया, बोले विवेकानंद बोले प्रचार प्रचार कुछ नहीं किया, वहां से एक निवेदिता की लड़की को लेकर आ गया उसने विवेकानंद ने है कोई प्रचार, और रामकृष्ण मिशन बोले ये मुर्गा मिशन है, ये मुर्गा मिशन है, कहते जीव सेवा करनी चाहिए, वो कहते जीव सेवा करो, क्या ये मुर्गा कोई जीव नहीं है, ये मछली कोई जीव नहीं है, नर को नारायण कहते ये क्या नारायण नहीं,
ये सब साधु होकर के मुर्गा खा रहे, सबके सब बैठ करके मुर्गा खा रहे, मछली खा रहे, ये कोई साधु का है? भागवत में बताए कलिजुग को चार जगह पर स्थान दिया, उसमें जीव हिंसा आता है, ये सब कैसे कोई जीव नहीं, ये कोई साधु भक्त? गुरुदेव बोल रहे थे इतने बात उनको, एक एक फिलोसफी को गुरुदेव ऐसे खंडन किया ना गुरुदेव ने, पहले जितना प्रचार था प्रभुपाद जो बताया था सिद्ध स्वरूप ने, मैंने लाख रुपया की प्रचार कर दिया, सचमुच से इतने लोग आए, इतने प्रचार हुआ, प्रभुपाद की जय जयकार हो गई, भक्त सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की नित्यलीला, प्रभु शिल भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की चारी तरफ पूरा जय जयकार हो गया, भटका हो गया बुरा बुरा, और ज्यादा प्रचार हो गया है, ज्यादा और ज्यादा प्रचार हो गया, गुरुदेव कहते पूरा प्रभुपाद मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हुए, मतलब मेरी मेरी बात को समझने वाले कोई है, इसलिए गुरुदेव का जब सन्यासी हुए ना, उनका नाम भी देखो भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज है, इनका नाम भी सिद्धार्थ, क्यों? जो सिद्धांत सिद्धांत में जो पारदर्शी थे, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ नाम दिया है, है? कहते भक्ति स्वरूप मतलब भक्ति को जो शोभा है, भक्ति को जो शोभा कौन है? सिद्धांत ही भक्ति को शोभा मतलब क्या है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चिते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, जो सिद्धांत है ना कठिन लगता है, बोले भैया अलस का मत करो, क्योंकि तुम सिद्धांत नहीं जानते हो ना, भक्ति भी तुम्हारी डामाडोल भक्ति होगी, जिसको जितने सिद्धांत में प्रवेश है उसको उतना ही भक्ति में प्रवेश है, और सिद्धांत के बगैर ना थोड़ी इधर उधर कोई बात करते मन खराब हो जाता है, कहता हाँ सचमुच यही होगा, इसलिए सिद्धांत में परिपक्व होनी चाहिए, इसलिए गुरु जी का नाम है सिद्धार्थी, जो सिद्धांत में पारदर्शिता भक्ति की जो श्री रूप, भक्ति का जो शोभा बड़ा श्री रूप, श्री मतलब राधा रानी, रूप मतलब राधा जी की जो प्रकाश है, इसलिए हमारी गुरुवर्ग लोग कौन है? राधा जी की मंजरी सखियां है, मंजरी सखियां है ना, इसलिए मानो श्री रूप मतलब होता है जब राधा जी की ये एक एक प्रकाश स्वरूप हमारे श्री गुरुपाद पद्म है, इसलिए इन्होंने विशेष करके हमारी गौड़ीय वैष्णव में बहुत बड़े काम किए, बहुत बड़े काम किए, बोले क्या काम किया है? कहते नियम है हर संप्रदाय में, नियम है हर संप्रदाय में, कहते तीन ग्रंथों के ऊपर में आपकी टीका होनी चाहिए, है तीन ग्रंथों के ऊपर टीका होनी चाहिए तब उसको संप्रदाय मानी जाती है, नहीं तो संप्रदाय नहीं मानी जाती है, जरूर संप्रदाय की तीन, कहते वो की तीन ग्रंथ क्या है? कहते एक है वेदांत सूत्र है, दूसरा है भगवत गीता है, और तीसरा उपनिषद, ये जो तीनों ग्रंथ है ये हमारी संप्रदाय की श्रेष्ठ, जिसको कहते प्रस्थान त्रयी, त्रयी प्रस्थान इनको कहते हैं, इसलिए तीन हमारे गुरुदेव ने ये तीन ग्रंथ को पर उन्होंने भाष्य किया है, वेदांत सूत्र के चार ग्रंथ गुरुदेव ने प्रकाशित किए, इतने मोटे मोटे, भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्र ठाकुर इनकी जो टीका के ऊपर में, जो उन्होंने टीका गुरुदेव स्वयं टीका लिखे इसके ऊपर में, अरे 11 उपनिषद गुरुदेव ने, 11 उपनिषद उन्होंने प्रकाशित किया, इसलिए कहते प्रभुपाद ने कभी है एक महाराज भक्ति भूदेव सोती महाराज प्रभुपाद का शिष्य, प्रभुपाद कभी इनको बोला बोले देखो नियम है अपना संप्रदाय के अनुरूप ये ग्रंथ तीनों के ऊपर टीका होनी चाहिए, तब उसको सांप्रदायिक माना जाता, नहीं तो नहीं मानी जाती है, इसलिए मेरी इच्छा तू बहुत बड़े विद्वान हो, वो बहुत संस्कृत में धुरंधर थे, बोले तू बहुत बड़े विद्वान हो, मैं चाहता हूँ है, मैं ये चाहता हूँ एक समय में तुम इसका टीका लिखा, भक्ति गुरुदेव सऊदी गोस्वामी महाराज खुद कह रहे हैं, जब मेरे गुरुदेव ने ये ग्रंथों को प्रकाशित किया वो खुद कह रहे हैं, मैंने उन्होंने बोले मैंने भी प्रकाशित किया प्रभुपाद की इच्छा से, लेकिन इतने छोटे छोटे ग्रंथ किया था जब मैं भी खुश नहीं था, लेकिन जब मैंने जब सुना ये सिद्ध स्वरूप ने ये ग्रंथ को प्रकाश कर रहे सिद्धार्थ महाराज, वो कहते मैं दौड़ दौड़ कर गया मठ में, मैंने कहा प्रभुपाद मेरे को ये दायित्व दिया था, इसलिए तुम ये काम को कर रहे हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हर तरह से मैं तेरे को मदद करूंगा, तुम इस ग्रंथ को अच्छे तरह से प्रकाश करो, प्रभुपाद की अभिष्ट है, इसलिए मेरे गुरुदेव जब उन्होंने ग्रंथों को प्रकाशित किया ना, जब जब गुरुदेव कोई कोई ग्रंथ प्रकाश करते थे, जैसे भगवान का जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी, कोई ग्रंथ प्रकाशित होता ना गुरुदेव उत्सव करते थे, सब अच्छे सारे महाराज को बुलाया करते थे,
भुला करके उन्होंने ये ग्रंथ को पूजा करते थे कि वो भगवान कलयुग में ग्रंथ रूप में ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी जगत में ये ग्रंथ रूप में साक्षात भगवान बड़े उत्सव गुरुदेव करते थे, इनका आरती उतारते थे, सर पर रख करके उसको ले जाते थे, क्योंकि ग्रंथ प्रकाश होना मतलब क्या है। कहते हैं तीन मृदंग बताया, एक मृदंग जो उसको बताते हैं, दूसरा मृदंग ये बृहत भागवत जो बृहत मृदंग ग्रंथ, तीसरा मृदंग कहते जो जीवंत मृदंग जो साक्षात प्रचार करते हैं। यहाँ पर कहते जो जगत में जाकर साक्षात प्रचार करते हैं कि जब तक रहेंगे तब तक प्रचार करेंगे, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। लेकिन जो ग्रंथ प्रकाश है कहते ये ग्रंथ को जो प्रकाश करते क्या होता है, वो कथा को चिरस्थायी रूप में रख करके दुनिया से जाते हैं। जब तक ये ग्रंथ रहेगा तब तक ये जगत में वाणी प्रचार होता रहेगा, इसलिए इसका नाम बृहत मृदंग। मतलब ये मृदंग का आवाज कहाँ तक जाएगी, वहां तक जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रंथ किसी कोने में अगर पहुंच गया ना, अगर कोई भी व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ेगा तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उन्होंने स्वयं बोले सिद्धार्थ जी महाराज, प्रभुपाद की बहुत बड़ी आपने इच्छा पूरी किया है, प्रभुपाद तुम्हारे ऊपर में इतने प्रसन्न होते होंगे, इतने प्रसन्न होते होंगे प्रभुपाद की अभीष्ट को तुमने इच्छा को, जैसे कहते श्री चैतन्य मन अभीष्टम, जैसे श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को उन्होंने जगत में प्रकाशित किए, उसी तरह तुमने प्रभुपाद की इच्छा को तुमने प्रकाशित किया, ये ग्रंथ ये अनमोल ग्रंथ तुमने प्रकाशित किया। अभी तक हमारी संप्रदाय में कोई भी ये तीनों ग्रंथों के ऊपर कोई उसकी टीका नहीं, लेकिन तुमने ये काम को किया, वो इतने खुश होते थे। और भक्ति विलास के तीर्थ गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद को उन्होंने बाहर लाए, पहले भजन करते थे, इतने खुश होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद दिया, तो तुमने बहुत बड़ी काम की, अपना संप्रदाय के सिद्धांत को तुमने स्थापन कर गए। इसलिए गुरुदेव ने इस सब काम को गुरुदेव ने किया। हमारे गुरुदेव और ये काम किया है, पूरी गए हो हमारे गुजर मठ में, नवद्वीप मठ में ये गए हो। अब देखना मंदिर में जो कार्य कार्य है ना, सुंदर कृष्ण लीला राम लीला, अब देखना मेरे गुरुदेव ही सबसे पहले मेरे गुरुदेव ये चीज को करवाया। पहले पहले प्रभुपाद का जो शिष्य लोग होते थे, बोले बोले क्या किसी पुतला बना दिया मंदिर मंदिर में, है सब पुतला क्या बना दिया मेरे गुरुदेव, इसलिए उन्होंने किसी मूर्ति को किया। बोले कलयुग जो आ रहा है ना, धीरे धीरे कोई भजन नहीं करेगा, ये ग्रंथ भी कोई नहीं पढ़ेगा। बताओ कौन ग्रंथ पढ़ रहे, कोई पढ़ते नहीं ग्रंथ, भजन नहीं करेगी। इसलिए गुरुदेव कहते थे इसलिए मैंने लीला को किया, कम से कम लोग अगर देखेंगे तो भगवान राम ने ये किया, भगवान कृष्ण ने ये किया, चैतन्य महाप्रभु, कम से कम ये लीला तो देखेगा। इसलिए गुरुदेव हम लोगों को बोले थे देखो कोई भी आए ना उनको समझाना, कृष्ण इस लीला के द्वारा विश्व को क्यों दिखाए, ये गंगा भगीरथ रूप में लाए, ये गोपियाँ कैसे जा रहे हैं वृंदावन छोड़ करके, ये गोपियाँ कैसे रथ बनाए, कैसे कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं, महाप्रभु ने हम लोग को सबको गुरुदेव समझा दिए थे। बोले कोई भी यात्री आएगा सबको समझाना है, और इसकी इसी बहाना से क्या होगा, हरि कथा बोलना होगा, दूसरों को हरि कथा बोलना होगा। ऐसे ही हम लोग जब आए उसी तरह हम लोग भी मंदिर में एकदम सबके सब लेकर के अलग अलग ग्रुप में लेकर के सबको एक ही मंदिर में तीन चार ग्रुप चार जगह पर बैठे हुए उनको हरि कथा समझा रहे, हरि कथा बोल रहे। ऐसे मैंने हरि कथा बोलते बोलते ना हमने जो थोड़ी बहुत सीखा है ऐसे बोलते बोलते हमने सीखा है, और हमारी आदत बन गया, जिसको देखो कथा सुना, जिसको देखो कथा सुना, हमारी आदत बन गया कथा सुनाते सुनाते। इसलिए जब फिर मैं रूप सुना मथुरा मठ में आया पुरी से, एक दिन मैंने वहां पर भी लीला मैं लोग को समझा रहा था, हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज देख करके इतने खुश हुए। बोले सब ब्रह्मचारी को ऐसे करनी चाहिए, जो लोग आते हैं ना उनको हरि कथा समझाओ, हरि कथा जो दर्शन के लिए आते हैं उनको भगवान की कथा सुनाओ, ये लीला को माध्यम से। इतने खुश होते थे महाराज जी, इतने खुश होते थे। इसलिए गुरुदेव सबसे पहले उन्होंने ये किया। और हमारे मंदिर में तीन बंदर रखा है, तीन बंदर मतलब मूर्ति, एक तो कान बंद कर रखा, एक आँख बंद करके उसको मुँह में। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत बावन गोसाई महाराज कहते थे बोले देखो जब हमारी मंदिर में कोई जाते थे ना, जब आते थे बोले सिद्धांति महाराज मंदिर में गए, बोले हाँ, बोले तीन बंदर देखा, बोले हाँ, बोले बताओ उसमें क्या सीखा है, तो इसमें क्या सीखा है बावन गोसाई महाराज कहते देखो कु बोली बना लिखा हुआ है, बोले भगवान की कथा छोड़कर कोई बात हम नहीं बोलेंगे, कु सुनी बना मतलब भगवान की कथा छोड़कर कोई बात सुनेंगे नहीं,
को देखे बना मतलब खराब चीज को हम नहीं देखेंगे है खराब चीज को नहीं। इसलिए हमारे हर मंदिर में ना तीन तीन बंदर बनाए हैं, तीन बंदर बना करके सब शिक्षा देते थे को बोलो बना को सुनो बना को देखो बना। इसलिए बोलेगा तो ठाकुर कथा सुनेंगे, कथा बोलेंगे ठाकुर की कथा देखेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव देखो जो प्रभुपाद का जो गण है ना वो कोई साधारण नहीं। जब मैं एकदम नई नई आया पूरी में था, मैं बच्चा था, उसमें इतना मेरे को ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव ने बोले देखो मेरे को लेने के लिए ना भगवान का धाम से रथ आया है, मेरे को लेने के लिए रथ आया, मेरे को स्नान करा दो तिलक लगा दो। अभी भक्त लोग तो रोने लगे, रोने लगे भक्त लोग। गुरुदेव कह रहे रथ आया हमको लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ तिलक लगा दो। अभी गुरुदेव को स्नान करा दिया, तिलक लगा दिया और भक्त लोग चारों तरफ बैठ कर रोने लगे। गुरुदेव कह रहे मेरे को रेलिक रथ आया, रोने लगे। तो गुरुदेव बैठ कर थोड़ी समय बैठ कर गुरुदेव हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ी समय गुरुदेव बैठ करके फिर गुरुदेव बोलने लगे, बोले मेरे को कह रहे हैं और कुछ दिन तो रुको, और कुछ दिन रखो क्योंकि जगत में और तुम्हारे तरफ कुछ कल्याण होने वाले है, जगत का मंगल होने वाले, अभी नहीं और कुछ दिन रुको, उसको बाद में अरे आना। देखो ये प्रभुपाद का जो गण है, जो गण है प्रभुपाद का, कैसे देखो ये साक्षात इनको दिखता है भगवत धाम से मेरे ले रथ आया आपको लेने के लिए। मतलब जब ठाकुर जी जब ये लोग जाते हैं, ठाकुर जी ही इनको लेकर के ठाकुर जी जाते हैं, इसलिए ये लोग कोई साधारण नहीं। और एक चीज देखा गुरुदेव उनका गुरु जी के चरण में कितने निष्ठा हमने देखा। उन्होंने जैसे हम माला लेकर के ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन देखा मेरे गुरुदेव दिन भर बैठ करके जय प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव, दिन भर प्रभुपाद का नाम लेते थे। जैसे माला में भगवान का नाम जप करते हैं, हमने देखा उनके गुरु जी का प्रति उनकी कितने निष्ठा प्रभुपाद की, देखा दिन भर हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद। हाथ पद में जा रहे भक्त निष्ठा, जिनकी गुरु जी के चरण में जितने भक्ति निष्ठा तुम्हारी रहते हैं वही व्यक्ति ही जगत को तार सकते हैं। इसलिए जो भक्ति का जो मापदंड है गुरु जी के चरण में कितने तुम्हारी निष्ठा, इसको पर निर्भर करता है। हमने ये चीज को देखा और एक चीज को देखा गुरु जी को कितने आत्मविश्वास है। गुरुदेव कहते थे आप लोग भी सीखना, गुरुदेव कहते थे ठाकुर को सेवा पूजा ठीक ठीक से करना, कि ठाकुर जी को ठाकुर समझो, ये मत समझो हर घर में एक विग्रह स्थापन कर दिया कि स्टैचू। गुरुदेव कहते थे साक्षात भगवान है, आप इनको जितने अच्छे तरह से सेवा पूजा करेंगे, जितने इनकी भक्ति पूजा ठीक से सेवा करोगे ना तुम मंदिर चलाने का कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत कोई नहीं होगी। क्योंकि व्यवस्था लक्ष्मी तो ठाकुर के चरण में, तो लक्ष्मी लक्ष्मी करो कहाँ पर, ठाकुर के चरण में तो लक्ष्मी है, उनको सेवा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। और मैंने सचमुच से देखा हमारा मंदिर से ना इतने लोग कोई प्रचार में नहीं जाते, लेकिन हमारा मंदिर में देखोगे ठाकुर को जो सेवा पूजा का जो विधा बड़े निष्ठा, रोज ठाकुर को गले में माला होनी चाहिए, पंचम स्वरोपचार में रोज अभिषेक होती है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को भोग जब लगता है ना। एक बार गुरुदेव तोता गोपीनाथ गए, जाकर के देखा वहाँ प्रसाद पाए, देखा साग भाजी दाल सब्जी बढ़िया खीर चाटनी। गुरुदेव आकर बोले मेरे मंदिर में भी ऐसे पूजा बनी होनी चाहिए, मेरे गुरुदेव मंदिर में भी ऐसे चटनी होनी चाहिए, भाजा होनी चाहिए, साग होनी चाहिए, रसा होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए, हमारे मंदिर में ठाकुर की सेवा हो। तोता को बिना तो ऐसे खाते हमारे ठाकुर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए हर मंदिर में हमारे ये नियम है ठाकुर जी को हर तरह से, ठाकुर जी को बोले ठाकुर को एक निष्ठ करके ठाकुर को खूब सेवा करो, पूजा करो, उनकी भक्ति करो, अपने आप राधा रानी किसी चीज की कमी नहीं रखेगी। इसलिए उनको इतने दृढ़ विश्वास है। हमारे जो ठाकुर जी गुरुदेव जब कलकत्ता से आते थे कहाँ पर पूरी आते थे, वो खाली हाथ से नहीं, वहाँ से बड़े सुंदर सुंदर फल बड़े सुंदर सुंदर सब्जी सब लेकर के, जैसे महापुर का भक्त लोग आते हैं ना बंगाल से जब रथ यात्रा आते से खाली हाथ में नहीं, कहते किसका झाली है, राघव पंडित का झाली, जैसे वो पूरा कहाँ से नवद्वीप से सबके सब सर पर रख करके महीना महीना चल चल करके आते थे
जैसे आप किसी परिवार रिश्तेदार घर में जाओ, देखना खाली हाथ में जाते हो, उनके लिए कपड़ा लता मिठाई लेकर जाते, गुरुदेव सारी चीज लेकर आते थे। आकर के ना पहले ये तोता गोपीनाथ के लिए निकालते थे आम सब्जी और सारी चीज को अच्छे तरह से पात्र में जोड़ी में, पर इसको गंभीरा के लिए, ये हरिदास ठाकुर के लिए पूरा सब मंदिर में सबसे पहले सब मंदिर में देकर आते थे, उसको बाद में फिर अपना मंदिर में जो बच जाता था उसको फिर मंदिर में सुना। इसलिए गुरुदेव ये काम करते थे गुरुदेव हैं इसके। और गुरुदेव हमारे मंदिर में झूला कभी देखे हो? कौन कौन झूला देखे हो? नहीं देखे ना। हमारे तीनों मंदिर में इतने सुंदर झूला है ना, दुनिया में इतने सुंदर कहीं झूला नहीं देखोगे। और इसी में इसको मैंने देख करके आया था, इसलिए वृंदावन में मैंने बहुत कष्ट करके भिक्षा करके इससे उससे मांग मुंग करके झूला बनाया। मत जो वृंदावन रूप सनातन में झूला बनाया ना, पूरा वृंदावन में हल्ला हो गया। ऐसे कोई वृंदावन में व्यक्ति नहीं थे जो रूप सनातन मठ में नहीं आया ये झूला देखने के लिए। जो देखा है ना, मतलब ऐसे कोई चीज हो सकता है कभी? इतने सुंदर चीज कभी बन सकता है? इतना बढ़िया झूला जो देखा है ना, एकदम आग चौंध गए। जितने पंडे फंडे जितने थे, सब दुनिया के जितने लोग थे, बड़े से बड़े लोग भी, जो कृपाल बाबा, सबके सब आए मंदिर में देखने के लिए। क्या गौड़ीय मठ में बनाया है, इतने सुंदर झूला। ये हमारे गुरुदेव ने जो ठाकुर को जो सेवा की परिपाटी है ना, हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छे तरह से प्रकाशित किया। और ठाकुर जी के प्रति इतने निर्भरशील, भगवान रक्षा करेंगे, हमें पालन करेंगे, हम ठाकुर को भक्ति कर रहे, पूजा करें, ठाकुर पालन करेंगे। एक समय कोई उत्सव हुआ, उत्सव में उन्होंने सबको निमंत्रण दे दिया गुरुदेव ने, जन्माष्टमी होगा सब गाना। लेकिन हमारे मंदिर में जो सेवक लोग थे, बोले गुरुदेव मंदिर में कुछ है ही नहीं उसके लिए, उत्सव के लिए ना सारे दुनिया को निमंत्रण दे दिया, प्रसाद मंदिर में। बोले चिंता क्यों करते हो? कृष्ण सेवा के लिए राधा रानी तो व्यवस्था करेगी, राधा रानी तो देने वाले, तो कोई चिंता मत करो। सचमुच से गुरुदेव ने बोले भैया ठाकुर को, ठाकुर पर निर्भर करके रहो, ठाकुर देगी। सचमुच से एक दिन पहले एक ट्रक पूरा तेल मसाला तेल घी चावल पता नहीं, एक दिन पहले पूरा ट्रक ला करके मंदिर में देख गए। बोले देख लिया, तुम लोग इतना चिंता कर रहे थे, केवल ठाकुर को सेवा के लिए चेष्टा करो, ठाकुर देने वाले तो ठाकुर है ना, और ठाकुर को सेवा कैसे होगा, कौन चिंता करेगा? राधा रानी तो चिंता करेगी ना, इसलिए तुम चिंता करते क्यों? केवल सेवा के लिए चेष्टा करो, और करने वाले ठाकुर जी है। ऐसे गुरु जी की निष्ठा, ठाकुर को सेवा के प्रति गुरुदेव की ऐसी निष्ठा। इसलिए गुरुदेव का हमारी बहुत बहुत वैशिष्ट्यता है गुरुदेव का। आज गुरुदेव का तिरुभाव महामहोत्सव है, इसलिए गुरुदेव हम सबको ऊपर में कृपा करे, आशीर्वाद करे। उनका जो शिक्षा है उनकी जो आदर्श है, जैसे हम अपना जीवन में उतारते हुए हम जैसे हम जीवन को धन्य कर सके। और हमारे गुरुदेव है ना, ब्रह्मचारी को सहज में इधर उधर जाने नहीं देते थे, एकदम स्ट्रिक्ट नियम था। कहीं जाएंगे तो किसी सन्यासी को साथ में ब्रह्मचारी को भेजेगी, जगन्नाथ मंदिर तक भी कोई जाएगा ना अकेला नहीं जाने देते थे, है कहते किसी सन्यासी किसी को साथ में मिलकर जाओ, अकेले कहीं मत जाया करो। गुरुदेव कहीं नहीं छोड़ते थे, किसी मंदिर में भी सहज में जाने नहीं देते। बोले क्यों? पता नहीं कैसे कैसे संगत मिलेगा, कौन उल्टा पुल्टा बोल करके इनका तुम्हें खुबड़ी खारे कर देगा। इसलिए ब्रह्मचारियों को सावधान में रखते थे, बोले सावधान में रहो, अपना भजन साधन करो, भक्ति करो, इधर उधर लोग से एकदम मत मिला करो। इसलिए हमारी मंदिर से बिना कारण से मंदिर से कोई नहीं निकल सकते, कोई नहीं निकलेगा बिना कारण से, जहाँ चला गया घूम घाम कर चले आए। गुरुदेव का एकदम ये मैं 6 साल तक था, पास में साखी गोपाल और उस वहाँ पर ब्रह्मगिरी में वहाँ पर वहाँ तक भी बनने गए गए, तो गुरु जी ने भेजे नहीं किसको साथ में, गए नहीं मंदिर में सेवा करते रहे। क्योंकि जितने ज्यादा घूमेंगे ना उतना बुद्धि उतना भ्रमित होता है, जितने घूमेंगे उतना बुद्धि भ्रमित होता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे अनुगत्य में रहोगे जीवन कल्याण होगा, अनुगत्य विहीन जाओगे तो, गुरुदेव कहते अनुगत्य जो विहीन जो जीवन जानवर जीवन है। इसलिए कभी भी गुरु जी के अनुगत्य के बगैर कोई व्यक्ति एक समय रथ यात्रा में कलकत्ता से आए, गुरुदेव मंदिर में बिना बोले जगन्नाथ मंदिर में चले गए। गुरुदेव ने बोले सुदर्शन कहा है, उसका नाम था सुदर्शन, हमारे गुरु जी बड़े से बात बोले जगन्नाथ रथ ये मंदिर दर्शन करने के लिए गए। इतने गुरुदेव बिगड़े जो आए ना, बोले ये टेबल का अंदर उसको सर को घुसाड़ दी, बोले इसके अंदर बैठे रहते। किसको बोल कर गया था?
यहाँ पर गुरु जी है, तेरे को पता नहीं गुरुदेव यहाँ है? बिना गुरु जी की कृपा से भगवान दर्शन हो गया तुमको, जगन्नाथ दर्शन दे दिया है, ठाकुर का दर्शन हो गया तुम्हारी। इतने कठोर साधन कर शासन करते थे, बगैर गुरु जी के अनुगत्य में कोई भी काम को करने के लिए मना करते, सब कुछ गुरु जी के अनुगत्य में करो, स्वतंत्र होकर कोई काम को मत करो जिसमें हमारे कोई कल्याण नहीं। इसलिए इनकी जो प्रभुपाद निष्ठा, गुरु निष्ठा, भक्ति निष्ठा, सेवा निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा गुरुदेव की बहुत पक्की थी। गुरुदेव इसलिए गुरुदेव हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, हम सबको ऊपर में कृपा करे, हम भी एक दिन ऐसे बन कर भगवान के शुद्ध रूप में भजन कर सके। बोले भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की, सफर कर प्रभुपाद की, सफर कर गौर हरि की, गौर ब्रह्मानंद हरि हरि श्री गुरु चरण। खड़े हो जाओ, गुरुदेव का आरती करते थे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, श्री गुरु चरण पद्मा भक्ति सदमा, श्री गुरु I'm
आप लोग ना गुरु जी चरण फूल दे दो, फूल दे दो, सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। तो शक्ति भाव की थी।